हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14 अप्रैल 2010 से लेकर के 1 मई 2010 तक के शिफ्ट में जीके जीएस से पूछे गए सारे प्रश्न का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए 2010 में पहला एग्जाम हुआ था 14 अप्रैल को, इसके बाद दूसरा एग्जाम हुआ था 1 मई को। इन दोनों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का आज हम लोग रिविजन करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग 2012 से लेकर के 2017 तक पूछे गए क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी का नाम है सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो अरावली पर्वतमाला से नदी निकलती है लूनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन है, भारत के मानवीयवादी या फिर अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मानवीयवादी की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68° 7' पूर्व से लेकर के 97° 25' पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है। तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तल से 200 नॉटिकल मील दूर तक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। तो मानसरोवर झील के निकट से 3 नदियां निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सतलज निकलती है, सिंधु निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। तो आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रदान होता है। तो हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रदान होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो याद रखिएगा, भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो याद रखिएगा, वोट डालने का अधिकार आर्टिकल नंबर 326 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो याद रखिएगा, चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो घोड़े को दागने की प्रथा का प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इन तीनों का ज्ञान प्राप्त था, लेकिन लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित का लेखक था अश्व घोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्राह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, इन तीनों को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी, और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक देश है? तो याद रखिएगा, भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण गैस है? तो वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण है जल का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक होता है? तो याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट अयस्क है? तो डोलोमाइट याद रखिएगा, मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी में दिया गया है दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी में दिया गया है कोयले का जलना, तो कोयले का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी में दिया गया है पानी का भाप में बदलना, तो पानी का भाप में बदलना एक भौतिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होता है? तो याद रखिएगा, एक तत्व के समस्थानिक में भिन्न होता है न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? तो याद रखिएगा, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल होता है बाजरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब हम लोग रिवीजन करेंगे 1 मई 2010 वाला पेपर का क्वेश्चन। 1 मई 2010 वाला क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करेंगे।
क्वेश्चन है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो याद रखिएगा गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो राजा राम मोहन के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन का नाम था ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी मैडम बाला वास्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में और ये जगह स्थित है यूएसए में, इसलिए यूएसए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत वर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, तो याद रखिएगा विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक होता है जड़ी बूटी के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, तो खाद्य फसल होता है चावल गेहूं भी होता है मकई भी होता है लेकिन चाय खाद्य फसल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो जनगणना 2001 के अनुसार केरल राज्य का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन है वायुमंडल का वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी मंडल होता है आयन, आयन मंडल हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, तो दार्जिलिंग जिला स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है, तो याद रखिएगा विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग होता है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में द्विशतनात्मक विधान मंडल नहीं है, तो याद रखिएगा द्विशतनात्मक विधान मंडल है बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है लेकिन केरल में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस और चीन अस्थायी सदस्य किसका है, तो याद रखिएगा ये अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है, तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए में दिया गया है संघात्मक शासन प्रणाली, तो संघात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता है इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा सही। ऑप्शन बी में दिया गया एक अलिखित संविधान, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन बी में दिया गया स्टेटमेंट ये सही नहीं है,
इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है। तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राज का एक मूलभूत तत्व क्या है। तो राज का एक मूलभूत तत्व होता है संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी। तो याद रखिएगा रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है तो उसको कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है एम्फीबियंस के बारे में। तो एम्फीबियंस के बारे में याद रखिएगा एम्फीबियंस उस जीव को कहा जाता है जो जल और थल दोनों में समान रूप से रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो याद रखिएगा डीडीटी के छिड़काव से वायु प्रदूषित होता है, इसके बाद मृदा भी प्रदूषित होता है, इसके बाद जल भी प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। तो याद रखिएगा दहन की क्रिया के लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की। तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था अमेरिकी सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। तो इस सैनिक संधि का नाम है नाटो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।